नमस्कार दोस्तों, वक्त की संपत्ति को लेकर तो हम कई दिनों से सुन रहे हैं। देश भर में हंगामा मचा हुआ है। कई मौलवी और मौलाना भी इस बिल के खिलाफ हैं और दावा कर रहे हैं कि इसके पास होने से मुसलमानों की संपत्तियां खतरे में पड़ जाएंगी। वक्फ संशोधन बिल का विरोध विपक्ष और मुस्लिम नेताओं द्वारा भी किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों की जमीनी संपत्ति पर संकट पैदा कर सकता है, लेकिन हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसमें दो पक्षों के बीच कहासुनी हो रही है, जिसमें कुछ मौलाना एक अधिकारी को धमका रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और वीडियो जोगेश्वरी मुंबई में इस्माइल कॉलेज के पास की बताई जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस ज़मीन की कीमत अरबों रुपये है जो महाराष्ट्र सरकार की है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जब यहाँ पर सरकारी निर्माण कार्य के लिए अधिकारियों को भेजा तब वक्फ बोर्ड वाले आए और कहने लगे यह ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। यह देखकर सरकारी अधिकारी भी चौंक गए कि जो ज़मीन सरकार की थी वह अचानक वह वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई। क्लिक इंडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखें, आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। किधर है सिंह? एक बात ये बताओ, एक सेकंड, किधर है सिंह? यहाँ बोला रहा तुमको, यहाँ एक सेकंड मैं इनको बता रहा। तुम बोला गवर्नमेंट चरण का, गवर्नमेंट चरण का मेरे बाप का है, मगर तुम सब परमिशन है। कौन सा परमिशन है, मतलब कैसा परमिशन है ये तो बताओ। आओ ना, ये नहीं, ये है क्या? मैं क्या बोलता है, ये क्या, ये बप प्रॉपर्टी है। क्या करते हैं आपको मालूम है? बप प्रॉपर्टी है या स्टे है? नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। यहाँ स्टे है, बप प्रॉपर्टी है ये। वो क्यों बन पड़ा है सामने हमारा बसना गुजरा है यहाँ पर? ये बताओ आपके पास ऑर्डर है ना? ये गवर्नमेंट वाला, इसको पहले खाओ। अरे मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्ट देवीदास साहब है? नहीं नहीं, मैं शरद हूँ। शरद भाई, आपके पास ऑर्डर कॉपी बताइए, वर्क ऑर्डर कॉपी बताइए, बता देते, प्लस प्लान बताइए। लाइए 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 सब लाओ। किसने दिया परमिशन? ये इस पे, ये कलेक्टर का, इस पे ये है। क्या है कलेक्टर का? सब पेपर में। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, ये प्रॉपर्टी के अंदर किसी का मार्क लाल में हिम्मत नहीं है? कॉलेज ने परमिशन दिया? परमिशन दिया, फंडिंग भी स्कूल का ये है सब। जा भाई लेके आ पहला। कोई तो एक जन मिसेस यादव, मिसेस यादव है, मिसेस यादव है इधर जो फंडिंग दिया आपको? होगी मिसेस यादव का आउट ऑफ बॉम्बे। अरे तो इधर ही लाके बताओ ना जगह पर। शरद भाई ये कैसा काम कर रहे हो दादा? इजाजत किसने दी आपको ये सब करने की? गवर्नमेंट ने दी है। अरे तो गवर्नमेंट के बाप की जगह है क्या? स्टे है, ये हमारे बाप की, हमारे पुरखों की जगह है। दिया क्या परमिशन? मैंने क्या बाकी है प्रिंसिपल की? कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको कि जाओ करो काम। तुमको मालूम है इस पे ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर बफ है, बफ। कोई कोई हाथ नहीं लगा सकता इसके ऊपर। बात मालूम है कि इसके ऊपर स्टे है, मालूम है नहीं है पब्लिक का? तुम्हारे को है ना बहुत, चल मेरे साथ में, मैं तुम्हारे को बताता हूँ वहाँ पे सोशल काम करना। यहाँ पे क्यों, ये ओपन प्लेस के ऊपर क्यों कर रहे हो? बफ प्रॉपर्टी पे क्यों कर रहे हो? ये हमारे पुरखों की जगह है, बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑफिसर आया है कोई? कौन है, क्या नाम? डिप्टी ऑफिसर है ना, क्या नाम है उनका? बुलाओ उसको, बुलाओ, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, बुलाओ इसको, इधर बुलाओ ना उनको, नौकर रहे ना के बीच में बुला। हम लोग पब्लिक के नौकर है, वो इधर बुलाओ ना उनको। कौन बोलता है? तुम लोग काम करो, हमारे पैसे की पगड़ ले रहे हो, तुम उधर बिठा रहे हो। आप काम बंद करो, काम बंद करो, बंद काम करो और कोर्ट से बात करो। नहीं होना चाहिए, आप काम बंद करो और कोर्ट से बात करो। चालू हो रही है प्रिंसिपल के भाड़ में, वो हमारी पगार के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना सब। एक बात ध्यान दे लो, ये काम नहीं बंद करवाएगा ना तो कम से कम यहाँ 10,000 की पब्लिक आएगी, फिर उसको फेस करना। कल रात में आके महाराष्ट्र होता तो तुम अभी दिखाते साइड में, चलो ये नहीं बोलते। ये मुंबई का ना पुराना कोर्ट है, साइड में चलो, परमिशन साइड में। के बाप की जगह है क्या ये? 16 साल से कोर्ट में मैटर है। ये जगह किसकी है? ये हमारे पुरखों की जगह है, समझ गए? कलेक्टर के बाप की जगह नहीं है। पहली बात तो चौकी में बुलाओ, पहले इसको सील कराओ, ऑर्डर ऑर्डर है उसके पास। भाई वायरलेस पे बफ जगह है, बफ है, बफ है ये। और ये कॉन्ट्रेक्टर है, इसको उसको देखो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। शरद बोरले साहब, आपको कुछ भी किधर पे भी घुस जाने का, मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा तो अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट के वर्क ऑर्डर से बेटा, अरे भाई गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर कैसे मिल सकता है यार? बफ प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे मिल सकता है, जरा आप मुझे ये बताइए। बहुत दिन से साजिश चल रही हो, तुम उसके साथ में आ रहे हो साजिश में। एक बात आप बताइए, गवर्नमेंट कैसे दे सकती है बफ प्रॉपर्टी के ऊपर ऑर्डर? ये सब घोटालेबाजी आप लोगों का। बंद करो, कौन है वो, क्या नाम है, पीए का नाम क्या है?
उनको बुलाओ ना, कौन है वो, बोल रहे हो ना गवर्नमेंट है कोई, बुलाओ उनको। कॉलेज का फंडिंग है, कॉलेज का पीए कल हमारे ग्रुप के साथ में था, उसने क्लियर किया कि हमने मना किया वाइकर साहब को, यहाँ पर एमएलए साहब को और कलेक्टर के लोगों को नहीं करना, ये दादागिरी से कर रहे हैं, इनके अल्फाज थे। आप प्लीज काम रोको, यहाँ से सब गाड़ियाँ बाहर निकालो। नहीं गाड़ी मत निकालो, सील करो यहाँ पे पुलिस। हाँ बताया मैंने, सील करो, सील करो, सील करो गाड़ी से, सील करो। चौकी पुलिस बुला, 100 डायल करो, डालते 100 मारो ना, 100 मारो, फोन करवाते हैं, बंद कर 100 लगा फोन, चल। ये वीडियो चाहे जहाँ की हो, मामला चाहे जहां का हो, लेकिन यह भी सत्य है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ वर्षों से लोगों की कई शिकायतें हैं और समय के साथ वक्फ की संपत्तियों और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर लोगों का आक्रोश भी बढ़ता गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में वक्फ की करीब 52,000 संपत्तियां थीं, जो 2009 तक 3 लाख और अब 8 लाख एकड़ तक पहुँच गई है। वक्फ बोर्ड पर आंतरिक अराजकता, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। दूसरी बात कि वक्फ कानून में 1995 के बाद ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिनके तहत किसी भी सार्वजनिक या निजी भूमि को धार्मिक कार्यों के लिए वक्फ घोषित किया जा सकता है। 2013 में मनमोहन सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन कर इसे और अधिक शक्तियां दी, जिसके कारण विवाद और बढ़े। वक्फ बोर्ड के नियमों के अनुसार अगर वक्फ से संबंधित कोई विवाद है तो वह केवल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है, यह व्यवस्था अन्य धर्मों में नहीं है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के मेंबरों को पब्लिक सर्वेंट का दर्जा भी दिया गया है, जो अन्य धर्मों के धार्मिक नेताओं को नहीं मिलता। वक्फ बोर्ड की ताकत, उस पर उठने वाले सवालों को समझना है तो हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था, इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, 1995 में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, मतलब कि कांग्रेस की राव सरकार ने पहली बार वक्फ बोर्ड पर काफ़ी मेहरबानी दिखाई और उसे पावरफुल बनाया। अब आगे चलते हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियाँ दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। मतलब कि वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान की आड़ में संपत्तियों पर दावा करने की व्यापक शक्तियां दे दी गई। और 2013 में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि किस तरह से बार बार कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड पर मेहरबान रही और आखिरकार 2013 में उसी सरकार ने एक धार्मिक निकाय को लगभग अनकंट्रोल, मतलब कि अनियंत्रित और असीमित अधिकार दे दिया। और देखिए ये पावर किस तरह से इंडलेस है, लिमिटलेस है, कि अगर कोई आपत्ति भी दर्ज करे तो वह चाह कर भी न्यायालय तक नहीं जा सकता। मतलब वक्फ ने फैसला कर लिया कि वो जमीन उसकी है तो उसकी है। आज़ाद भारत की छोड़िए, जब भारत गुलाम था, दिल्ली सल्तनत के शासक हों या मुगल विदेशी आक्रांता, ये भी जब इस देश पर राज कर रहे थे, लूट रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तब भी इस तरह की शक्ति किसी ने मुस्लिमों को नहीं दी थी। जबकि एक तरह से उस समय राजतंत्र था, लेकिन प्रजातांत्रिक सिस्टम में एक हिंदू बहुल राष्ट्र में, जहां की 80% जनसंख्या हिंदू है, सनातनी है, उसके लोकतांत्रिक भारत में किसी अन्य धार्मिक निकाय के पास आज तक न तो ऐसे नियम हैं और न ही ऐसी शक्तियाँ जो कांग्रेस ने 2013 में मुस्लिमों को दी। और मुसलमानों पर कांग्रेसी मेहरबानी की अंतहा देखिए कि मुस्लिम कानूनों का पालन करने वाले देशों में भी वक्फ जैसी कोई संस्था नहीं है और न ही किसी धार्मिक संस्था के पास इतनी असीमित शक्तियां हैं। वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 के बारे में भी जरा सुन लीजिए। इस धारा में कहा गया है कि यदि वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है कि उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वामित्व में आती है। यहां तक कहा जा रहा है कि वक्फ निकाय ने भारत पाक विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं को कोई जमीन वापस नहीं की। अब चूंकि वक्फ काफी पावरफुल हो चुका था तो उसकी मनमानी भी शुरू हो चुकी थी। वक्फ की मनमानी कह लें या मदमाते हाथी जैसी ताकत का गुमान, कि एक बार तमिलनाडु के एक गाँव को ही बोर्ड ने वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी थी। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मनिंदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की भूमि के स्वामित्व का दावा किया, जिसमें
तिरुचेंथुराई गांव और उसके आस पास 369 एकड़ जमीन शामिल है। और ये सब तब है जब उस गांव की अधिकांश आबादी हिंदू थी। तो सवाल उठता है कि वहां मुस्लिम दावे का क्या मतलब है। आरोप लगता रहा कि अधिनियम में संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भूमि अफिया की तरह व्यवहार कर रहा है और संपत्ति हड़प रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारों तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवादों में है। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं, यहां तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। शक्तिशाली मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज़्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अदालतें भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वक्फ बोर्ड पर नियंत्रण रखने वालों के अलावा अन्य लोग भी इस कानून के खिलाफ हैं। सच्चर कमेटी ने भी कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए। वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। वक्फ बिल को लेकर ताज़ा अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का निर्णय लिया है। JPC की अध्यक्षता BJP के वरिष्ठ नेता जयदेव पाल कर रहे हैं और इस समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो इस पूरे खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।